بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear students, welcome to all of you in the online class of FBI. प्यारे बच्चों, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है. पहला ही लेक्चर है आज इसका, लेक्चर नंबर 1. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने एटम्स मॉलिक्यूल्स के बारे में सुना ही होगा कि ये एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं. एक रिव्यू मैं इसका आपको देना चाहता हूँ कि आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, हम जो आसपास की चीज़ें देखते हैं, अपना जो सराउंडिंग हम देखते हैं, जैसे गिलास, ठीक है, क्लॉथ्स देखते हैं, ठीक है, मोटरसाइकिल देखते हैं, व्हीकल्स देखते हैं, डायमंड देखते हैं, ग्रेफाइट देखते हैं, कॉपर देखते हैं, माउंटेन्स देखते हैं, रॉक्स देखते हैं, ठीक है, वाटर देखते हैं, आयर देखते हैं. नो नो नो, आयर नहीं देखते हैं बल्कि वो फील किया जाता है, ठीक है. तो ये सारी चीजें जो आप देखते हैं ना, ये मैटर कहलाते हैं. तो मैटर की डेफिनेशन आपको याद ही होगा कि एनीथिंग ऑफ द यूनिवर्स विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हुज प्रेजेंस मे बी फेल्ट बाय द सेंस ऑर्गन्स. कोई भी चीज जिसका वजन हो और वो जगह भी घेर ले तो उसको हम मैटर नाम देते हैं. ये चीजें आपको पता है. तो एक फिलॉसफर था, इंडियन फिलॉसफर था, जिसका नाम था, आपको याद होगा, महर्षि कनाद. क्या नाम था? इंडियन फिलॉसफर जिसका नाम था महर्षि कनाद. एम ए आप ये नोट भी कर सकते हैं, इंडियन फिलॉसफर नेमली महर्षि कनाद. मैं इसकी स्पेलिंग आपको बताऊं, आप ये नोट कर सकते हैं, एम ए एच ए आर आई एस एच आई महर्षि, फिर कनाद, के ए एन ए डी कनाद. ये इंडियन फिलॉसफर था, इंडियन फिलॉसफर नेमली महर्षि कनाद. सेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर वी गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड एनी फर्दर. क्या इसने कहा कि जो मैटर है, इंडियन फिलॉसफर महर्षि कनाद, इसने क्या बोला कि जो मैटर है इसको अगर डिवाइड किया जाए तो हमें और छोटे छोटे पार्टिकल्स इस मैटर के ऑब्टेन हो जाएंगे, तो इन पार्टिकल्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक. और उसके बाद बाकी साइंटिस्ट्स, जो डाल्टन था जिसको जिसने एक थ्योरी दी, उसको हम बोलते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, वो भी हम इस चैप्टर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और इसके लिमिटेशन फिर क्या है, तो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे मैं एक इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूँ कि ये जो महर्षि कनाद था, इसने क्या कहा कि मैटर जो है इसको अगर डिवाइड किया जाए तो हम हमें और छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑब्टेन हो जाएंगे. तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनको फिर से डिवाइड नहीं किया जाता है. उसके बाद डाल्टन आया, ठीक है, उसने एक थ्योरी दी जिसको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहते हैं. उसने क्या कहा, जो ये जो मैटर है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हो. क्या मैटर जो है, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स.
इन स्मॉल पार्टिकल्स, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं इनको एटम्स कहते हैं। तो इसने क्या कहा, मैटर जो है इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक है, इसी तरह जो और एक इंडियन साइंटिस्ट था जिसने ये कहा कि ये जो मैटर है इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, दी स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम की डेफिनेशन भी हम देते हैं, मॉलिक्यूल्स भी डेफिनेशन, मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन भी हम देते हैं देंगे अभी इंशाल्लाह, और जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वो हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखना, मैं फिर से इस टॉपिक की तरफ आता हूँ कि ये जो चैप्टर का नाम जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो पहले हम देखते हैं कि मैटर की डेफिनेशन क्या है। लेकिन जो टॉपिक आज का जो रहेगा वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रहेगा, कि ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है इसके बारे में भी हम, यानी आज ही हमें डिस्कस करना है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पहले हम देखते हैं कि मैटर क्या होता है। जो अभी मैंने आपको बोला, एनीथिंग ऑफ द यूनिवर्स विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड एज मैटर। एग्जाम्पल, वाटर, एयर, रॉक्स, शुगर, सैंड एटसेट्रा। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जो मैटर है इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू विच डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर ऑल्सो शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। डियर स्टूडेंट्स, जो ये मैटर है, अब ये डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स का बना होता है, क्योंकि जो एटम्स और मॉलिक्यूल जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। क्या जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं, इसीलिए जो मैटर है उनकी प्रॉप डिफरेंट काइंड ऑफ जो मैटर होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो क्या डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल जो होते हैं इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसकी वजह से ये मैटर की भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर की भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यहाँ पे एटम की डेफिनेशन देते हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। क्या जो एटम होता है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट होता है। इट साइज इज वेरी वेरी स्मॉल, इट साइज इज वेरी वेरी स्मॉल। जो एटम होता है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट होता है और इसका साइज बहुत बहुत ही छोटा होता है। तो यहाँ पे एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ, जो डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी उसने क्या कहा कि एटम इज इनडिवाइजिबल, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एटम जो है, डाल्टन ने कहा कि एटम जो है इट इज इनडिवाइजिबल, यानी ये नाकाबिले तकसीम है, ये फर्दर डिवाइड नहीं होता है। लेकिन जो बाकी साइंटिस्ट के बाद जो साइंटिस्ट आए उन्होंने ये कहा कि एटम इज डिवाइजिबल, एटम काबिले तकसीम है, ये हम डिवाइड फर्दर कर सकते हैं। फिर आपको पता है कि एटम जो है ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इसमें क्या होता है ये न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो वो इसके पार्टिकल्स फिर बन गए, कि इसका मतलब है कि एटम कैन बी डिवाइडेड, एटम इज डिवाइजिबल, ये डिवाइजिबल है, इट ये काबिल तकसीम है, ये डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ जो हम एटम की डेफिनेशन देते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, इट साइज वेरी वेरी स्मॉल, इसका साइज बहुत छोटा होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स, टू और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। दो या दो से ज्यादा एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, फॉर एग्जाम्पल H2, N2, O2 एटसेट्रा। यहाँ पे H2 जो है ना ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कहलाता है, यहाँ पे N2 जो है ना नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कहलाता है, O2 जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहलाता है। तो इसी तरह Cl2 क्या, क्लोरीन मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी तरह जो बाकी जो एटम्स हैं जो कंबाइन होके होते हैं वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ली, तो हमें आगे इंशाल्लाह ये भी पढ़ना है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये तो इंट्रोडक्शन ही था।
ठीक है, एटम के बारे में और मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स केमिकली बॉन्ड टुगेदर। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ये टर्म यूज की केमिकली बॉन्ड टुगेदर, इसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, याद रखना, जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो वहां पे क्या होता है, इनको एक फोर्स, ये इनको एक फोर्स ये बाइंडेड रखता है, एक फोर्स बाइंडेड इनको रखता है, यानी कनेक्टेड रखता है। तो इस फोर्स को हम केमिस्ट्री में बॉन्ड कहते हैं। अब बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द एटम्स टुगेदर, विच होल्ड द आयन्स टुगेदर, विच होल्ड द मॉलिक्यूल्स टुगेदर इन अ कंपाउंड। क्या होता है बॉन्ड, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द एटम्स आयन्स और मॉलिक्यूल्स टुगेदर इन अ कंपाउंड। तो इस यही यहां पे मैंने यूज की टर्म ग्रुप ऑफ एटम्स और टू आर मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। ये केमिकली बॉन्डेड टुगेदर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एच टू है, ये आपस में लिंक है, ठीक है, एक फोर्स है जिसको हम बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, फिर बॉन्ड्स के भी टाइप्स हैं, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी जिसको हम कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, वो हम एटा ये जो ये कैट आयन्स आयन्स, ठीक है, यानी आयन्स क्या होते हैं उसी में हम वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है एच टू एन टू ओ टू, एच टू इज द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एन टू इज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ओ टू इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब जो हमने टॉपिक यहाँ पे लिया है वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो एटम की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, मॉलिक्यूल की, मैटर की, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रहेगा। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉज, दीज लॉज आर नोन एज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देयर आर फाइव इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल रिएक्शंस, क्या लिखा मैंने, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, टर्म मैंने यहाँ पे यूज की केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि जब दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं, दो या दो से ज्यादा सबस्टेंस कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो वहां पे कुछ नया सबस्टेंस बनता है। क्या मैंने बोला, दो या दो से ज्यादा सबस्टेंसेस जब कंबाइन होते हैं तो वहां पे कुछ नया सबस्टेंस बनता है। इस होल प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन नाम देते हैं। क्या कहते हैं इसको, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन क्या है, मैं रिपीट करना चाहता हूं, जब दो या दो से ज्यादा सबस्टेंस कंबाइन होके कुछ नया सबस्टेंस बनाए तो वहां इसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आप लिख सकते हैं केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच टू आर मोर सबस्टेंसेस कंबाइन एंड फॉर्म न्यू सबस्टेंस, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। ठीक, केमिकल रिएक्शन। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये भी आप याद रखना, जो सबस्टेंस आपस में कंबाइन होते हैं, द सबस्टेंसेस विच कंबाइन, इनको रिएक्टेंट्स कहते हैं। वो सबस्टेंस जो कंबाइन होते हैं उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो नया सबस्टेंस बनता है ना, जो नए सबस्टेंस बनते हैं ना, उनको प्रोडक्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में आप क्या होता है, रिएक्टेंट्स रिएक्ट होते हैं, रिएक्ट का मतलब है कंबाइन होना, मिक्स होना, ठीक है, तो रिएक्टेंट इज द सबस्टेंस विच कंबाइन एंड न्यूली फॉर्म सबस्टेंस आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स, जो नए सबस्टेंस बनते हैं उनको प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो रिएक्टेंट्स, तो अब केमिकल रिएक्शन की और एक डेफिनेशन बन गई, द प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट एंड फॉर्म प्रोडक्ट्स, दिस इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को मैं और बताना चाहता हूं आपको, ताकि आपको समझ में अच्छे से आएगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, द प्रोसेस इन विच टू आर मोर सबस्टेंसेस कंबाइन
एंड फॉर्म न्यू सबस्टेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। और रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? द सबस्टेंसेस विच कंबाइन आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स एंड द न्यू फॉर्म न्यू सबस्टेंसेस आर एंड द न्यू सबस्टेंस विच आर फॉर्मड इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि केमिकल रिएक्शन में एक ही सबस्टेंस डिकम्पोज भी होता है। एक ही सबस्टेंस जब डिकम्पोज होता है वहां पे दो या दो से ज्यादा सबस्टेंस भी बनते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में चाहे दो या दो से ज्यादा सबस्टेंस कंबाइन होके नया सबस्टेंस बनाए या केमिकल रिएक्शन में एक ही सबस्टेंस ब्रेक डाउन होता है, एक ही सबस्टेंस डिकम्पोज होता है, तो वहां पे नए सबस्टेंस बनते हैं, इसको भी केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो लेकिन ये सबस्टेंस खुद ही डिकम्पोज नहीं होता है, इसको हीट सप्लाई करनी पड़ती है या किसी और एजेंट से वो डिकम्पोज होता है फिर। तो केमिकल रिएक्शन ये भी इसके हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि द रिएक्शन द प्रोसेस इन विच वन सबस्टेंस ब्रेक्स डाउन द सबस्टेंस इन विच वन सबस्टेंस द प्रोसेस इन विच वन सबस्टेंस डिकम्पोज ऑन supplying heat or by some any other agent is to form new substance is called as chemical reaction। ठीक है, तो ये जो chemical reaction है मैं आपको इसकी example भी इसी topic में अभी दूंगा। तो फिलहाल आप याद रखना कि chemical laws of chemical combination की definition पे हम पहले आते हैं। And dear students, chemical reactions take place according to certain laws. These laws are known as laws of chemical combination। ये जो chemical reactions होते हैं यानी दो या दो से ज्यादा substances जब react होते हैं नया substance बनाते हैं उसको chemical reaction कहते हैं। ये chemical reaction जो है ये ऐसे ही नहीं होते हैं बल्कि they take place according to certain laws। These laws are known as laws of chemical combination। इन्हीं laws को laws of chemical combination कहते हैं कि chemical reactions take place according to certain laws। In these laws are known as laws of chemical combination। There are five important laws of chemical combination। पांच laws है chemical reactions में। ठीक है, there are five important laws of chemical combination। पांच laws हैं dear students। ये पांच laws क्या हैं? नंबर वन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे दो ही लॉज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, ये जो मैंने पांच लॉज यहाँ पे बताए इनके नाम जो मैंने यहाँ पे मैंशन किए ये लॉज ऑफ हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे हम आप या आपकी जो लेवल है क्लास 10th 9th की तो इसमें हम दो लॉज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। दो लॉज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दिस लॉ वॉज गिवन बाई फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लेवजर इन 1774। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ये एक फ्रेंच केमिस्ट ने दिया है जिसका नाम था एंटोनी लेविजर। कब दिया? 1774 में। फ्रेंच केमिस्ट था, इसका नाम था एंटोनी लेविजर। और याद रखना डियर स्टूडेंट्स, ये जो एंटोनी लेविजर है ना इसने इसने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है केमिस्ट्री में, इसीलिए इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। सो हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? एंटोनी लेविजर। लेविजर फादर ऑफ केमिस्ट्री इस कंसिडर किया जाता है। ये जो लेविजर है फादर ऑफ केमिस्ट्री है। ठीक है, तो इसी ने ये फर्स्ट लॉ जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये लॉ इसी ने दिया। कब? 1774। अब हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि इसने क्या कहा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मैटर ना तो क्रिएट किया जाता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जाता है इन केमिकल रिएक्शन में, कि यानी मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन इस लॉ को हम यानी इस लॉ की जो सेकंड डेफिनेशन है वो भी हम आपको बताते हैं। दिस लॉ में आल्सो स्टेटेड एज
in a chemical reaction, the total mass of products is equal to the total mass of reactants. यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, या इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर भी कहते हैं, इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. यू कैन मेंशन ऑन योर नोटबुक, यू कैन नोट ऑन योर नोटबुक दिस लास्ट स्टेट इज दैट मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, नॉर डिस्ट्रॉयड. तो यहां पे इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स. जो जब एक केमिकल रिएक्शन होती है, जब दो या दो से ज्यादा सबस्टेंस आपस में कंबाइन होते हैं, वहां पे जो नए सबस्टेंस बनते हैं, लेकिन जो ये जो सबस्टेंस रिएक्ट होते हैं, इनको मैंने क्या नाम दिया, क्या नाम बोला मैंने अभी आपको, रिएक्टेंट्स को कहते हैं. जो नए सबस्टेंस बनते हैं उनको प्रोडक्ट्स कहते हैं. लेकिन लॉ के मुताबिक कि जो मास, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, वो इक्वल होता है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स के बराबर. सो मास रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मास रिमेन्स कंजर्वड, मास डज नॉट चेंज, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. तो हम एक जनरल रिएक्शन आपको यहाँ पे दिखाते हैं, ए प्लस बी, यानी ए एक सबस्टेंस है और बी एक सबस्टेंस, ये आपस में कंबाइन हो गए, ठीक है, तो नया सबस्टेंस बन गया क्या, सी प्लस डी. ये जो ये है ना ए प्लस बी, डियर स्टूडेंट्स, इनको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स. रिएक्ट हो गए, ये मिक्स हो गए, ज्वाइन हो गए, कंबाइन हो गए, रिएक्टेंट्स इनको कहते हैं. तो नए सबस्टेंस प्रोडक्ट्स बन गए, ठीक है. तो ये जो एरो है ना, इसका मतलब है ये दो रिएक्ट होके नए सबस्टेंस बन गए. तो याद रखना, रिएक्टेंट्स हम ऑलवेज लेफ्ट साइड में लिखते हैं, ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये राइट साइड में लिखते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स. अब ये जो सी और डी है, इनका जो मास होगा, इनको हम सम करेंगे आपस में, ठीक है, वो इनका टोटल मास बनेगा. ये टोटल मास इन रिएक्टेंट्स के टोटल मास के बराबर होता है, ठीक है. तो यही लॉ कहता है कि इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट. फॉर एग्जांपल, अब हम एग्जांपल लेते हैं, व्हेन 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर डिकम्पोज्ड कंप्लीटली, देन 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड. जब 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है, वहां पे 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. तो डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन देखते हैं पहले, ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, CaLCIUM कैल्शियम, CaRBONATE कैल्शियम कार्बोनेट. इसको हीट मैंने दी यहाँ पे, तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है. तो लेकिन हीट सप्लाई करने से, ठीक है, ये डिकम्पोज होता है, फिर कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. इसकी ये देखिए, यानी ये रिएक्शन देखिए आप, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे दिखाया. अब रिएक्शन है, इसकी फॉर्मूला के जरिए हम अब इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. CaCO3, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट किया गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया CaO प्लस CO2. हमने कितना लिया था कैल्शियम कार्बोनेट, 100 ग्राम्स, ठीक है. इसको जब डिकम्पोज किया गया तो 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मूला है, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. तो ये देखिए 56 ग्राम्स कैल्शियम ऑक्साइड, 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड. तो जब डियर स्टूडेंट्स, हमने कितना लिया था 100 ग्राम्स, तो यहाँ पे कितना बन गया 56 प्लस और 44. जब इसको हम सम करेंगे, जब इसको हम 56 को ऐड करेंगे 44 ग्राम्स, तो ये इक्वल टू 100 आएगा. तो इसका मतलब क्या है, 100 ग्राम्स इक्वल टू 100 ग्राम्स. टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू लॉ, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन, ये तो रिएक्शन हो गई ना, इसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं. तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स. हेंस लॉ तो यहाँ पे हमने प्रूव भी किया एग्जाम्पल के जरिए. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस बॉक्स में आपकी जानकारी के लिए, ताकि आप याद रखेंगे, ये जो कैल्शियम है, इसका एटॉमिक नंबर है 12, सॉरी इसका एटॉमिक नंबर है 20, याद रखना. कैल्शियम जो है, CA इज द सिंबल ऑफ कैल्शियम, ठीक है.
तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 20 है, लेकिन इसका जो एटॉमिक मास है वो 40 है। कितना? 40। जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर है 6, लेकिन एटॉमिक मास 12 है। ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 60। याद रखना ये, क्योंकि ये ही हमने इसमें अप्लाई किया है। तो यहाँ पे कितने कैल्शियम है? सी ए है ना, ये एक ही कैल्शियम है। सी जो है, सी ये कार्बन है। ओ थ्री जो है, इसका मतलब है कि 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं इसमें, ठीक है। तो ये सारी फॉर्मूला कैल्शियम और कार्बोनेट है। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड सी ए एक ही है और ऑक्सीजन एक है। CO2, इस CO2 में एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। कैल्शियम का मास कितना है? 40। इसको प्लस करेंगे कार्बन का मास, वो कितना है? 12। प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। लेकिन कितने ऑक्सीजन है? 3। तो 3 × 16 कीजिएगा, 3 × 16 = 48। जब आप 40 + 12 + 16 × 3 करोगे, इसको फिर प्लस करोगे, ठीक है, 16 × 3, और वहां पे क्या आएगा, इसको प्लस करोगे कैल्शियम और कार्बन के एटॉमिक मास के साथ, यू विल गेट 100 ग्राम। इसी तरह यहाँ पे कैल्शियम का कितना है डियर स्टूडेंट्स? 40, और एक ऑक्सीजन है 16। 40 को ऐड कीजिएगा 16, यू विल गेट 56। इसी तरह कार्बन, इसका है 12 और ऑक्सीजन का है 16, लेकिन 2 ऑक्सीजन हैं, ठीक है। 2 ऑक्सीजन का बनेगा 16, 2 × 16 = 32। 2 ऑक्सीजन का बनेगा 32, 2 × 16 = 32। 32 को जब ये प्लस करोगे आप 12, यू विल गेट 44। जब आप टोटल करोगे 56 + 44, यू विल गेट 100। तो 100 = 100 ग्राम्स। तो इसका मतलब है, इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। मास के नेदर बी क्रिएटिव नॉर डिस्ट्रॉय, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इट रिमेन्स कंजर्व। ये डियर स्टूडेंट्स रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट है, ठीक है। तो ये दो जो बन गए ये प्रोडक्ट्स हैं। डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।